हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो आज से कुछ टाइम पहले मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि मैंने इफको के रिगार्डिंग एक वैकेंसी, लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, और उसके बेसिस पे काफ़ी लोगों ने उस पर अप्लाई किया था। मैंने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसी है। तो अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मीन वाइल आप इस फॉर्म को भी भर दीजिए कि कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए आगे फर्दर सिलेक्शन टेस्ट के लिए। अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि वो लोग पहले स्क्रीनिंग करने वाले थे कि आप अगर उनको अपनी फॉर्म भरते हैं तो वो आप लोगों की प्रोफाइल्स देखते कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हैं, क्या किया हुआ है। उसके बाद उनकी एक लिस्ट आती और उसके बेसिस पे वो स्टूडेंट सिलेक्शन टेस्ट के लिए जाते हैं जिन लोगों को इफको वालों ने सिलेक्ट किया है। अब उसके रिगार्डिंग इफको की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है फर्दर, और मैंने उसकी वेबसाइट डेली मल्टीपल टाइम्स चेक की है। अब आज मैं उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वरीड हैं इस चीज़ को लेकर। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं अपने अपने साइड से रखना चाहूँगी। एक तो सबसे पहली चीज़ कि पीपल आर वरीड आफ्टर कोविड, काफ़ी लोगों के पास जॉब नहीं है, और ऊपर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में खास करके लीगल जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल कोई जॉब्स नहीं होती। होती भी हैं तो या तो एक्सपीरियंस मांगती हैं, या तो फिर उनके लिए उनको किसी ना किसी टफ एग्जाम को लिखना पड़ता है। आप जुडिशरी का एग्जाम ही ले लीजिए, उसमें आपको 3 स्टेजेस, मेजर मेजर स्टेजेस क्रॉस करके आपको जाके गवर्नमेंट में कोई जॉब मिल सकती है। अदरवाइज आपको ADPO के लिए भी पेपर लिखना पड़ेगा, DLO के लिए भी पेपर लिखना पड़ेगा, तो काफ़ी टफ एग्जाम्स होते हैं ये सारे। अब पीपल आर वरीड क्योंकि कम नंबर ऑफ वैकेंसीज थी या ज़्यादा, ये किसी को कुछ नहीं बताया गया था उस नोटिफिकेशन में, और मैंने भी क्लियरली बोला था कि इफको ने वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कुछ नहीं बताया है आपको इन डिटेल। बट अब उस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट था, और दूसरी चीज़ कि काफ़ी लोग अभी इस कोविड पैंडेमिक के कारण अनएम्प्लॉयड भी हो चुके हैं, और जिन लोगों की प्रैक्टिस थी उन लोगों की प्रैक्टिस भी छूट गई है। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स कि दे हैव गवर्नमेंट जॉब विदाउट गिविंग एनी एग्जाम और टेकिंग एनी पेन। तो किसको अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स कि उनको अच्छी अच्छे से अच्छी जॉब मिले, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट पीपल थिंक दैट आई एम द पार्ट ऑफ इफको और मैंने वो वैकेंसीज रिलीज की हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे हैं उन लोगों का कंसर्न मुझे समझ में आता है। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, बिकॉज इफ यू हैव एनी क्वेरी यू विल आस्क मी, डेफिनेटली आस्क मी क्वेश्चंस। उन लोगों का मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको कोई डाउट था, आपने मुझसे पूछा, मैंने उसका रिप्लाई किया। बट मेरे को उन लोगों का समझ में नहीं आता जो लोग वीडियो को डिसलाइक करके जाते हैं। जैसे मैंने वैकेंसीज निकाली है और उसके बाद से अपने सारे नोटिफिकेशन ही हटा दिए। अब ये तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गलती है ना, जिसने वो वैकेंसीज निकाली हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स के कंसर्न भी नहीं सुन रहे हैं। इनफैक्ट मैंने उनको मेल भी लिखा था, और उस मेल तक का भी उन लोगों ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं सेंड किया। मैंने उनको कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, 3 नंबर में से सिर्फ 2 नंबर पे रिंग जा रही है, और 1 नंबर तो स्विच ऑफ है, और 2 पे रिंग जाती है पर कोई उठाता नहीं है। तो मेल का आज मैं आपको एक पार्ट दिखाऊंगी कि मेल में क्या क्या मैंने मेंशन किया था और उनसे क्या क्या चीज़ें पूछी थी। सो ये रहा उस मेल का स्क्रीनशॉट। मैंने उन लोगों को ये मेल 4 अप्रैल को ही भेज दिया था, शाम के 5:30 बजे। और इस मेल में मैंने उनसे क्लियरली पूछा था कि जो छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट भी होने वाला है तो उसका कोई सिलेबस है या नहीं, अगर सिलेबस है तो क्या है, और उसके रिगार्डिंग डेट्स और टाइम्स अगर आप वेबसाइट पर रिलीज़ करना चाहेंगे तो पहले वेबसाइट पर रिलीज़ कर दीजिए, नहीं तो इस मेल के थ्रू रिप्लाई कर दीजिए। उन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स जाके वेबसाइट चेक करी, तो वेबसाइट पर भी कुछ भी नहीं था। सो आई थॉट कि इस चीज़ का क्या किया जा सकता है। एग्रीकल्चर वालों की मैंने डेट्स देखी कि उन लोगों का कैसा क्या चल रहा है। सो ये तो मेल था। मेल के बाद मैंने डेली उनकी वेबसाइट को चेक किया, और उनकी वेबसाइट पर चेक करने पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था, और उस वेबसाइट पर बाकी जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन थे, जैसे कि AGT, एग्रीकल्चर वाला, मेडिकल वाले हो गए, उनके भी नोटिफिकेशन बाद में हटा दिए गए। ऑल दो हुआ ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर वालों की जो एग्ज़ाम है वो अभी 10 मई को हुई है, तो
तो उनका अगर प्रीलिम्स 10 मई को हुआ है तो मेंस भी 1 या 2 महीने में या 3 महीने में कभी ना कभी होगा, और उनका मेंस के बाद उनका इंटरव्यू का स्टेज भी होगा। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी टाइम पर लीगल वालों का भी रिजल्ट आए कि कौन कौन लोग सिलेक्ट हो चुके हैं फॉर द पोजीशन ऑफ लीगल ट्रेनी, क्योंकि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो हम उसी चीज़ का वेट कर सकते हैं। मीन वाइल आप लोगों के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप दूसरी एग्जाम्स और दूसरी वैकेंसीज को देखते रहिए, एक वैकेंसी के भरोसे मत बैठिए। तो इफ़ यू गाइस फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड वॉन्ट फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इफको, तो इफको के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी आगे फर्दर अपडेट चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड एंड हाउ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो बाय योर कॉमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू गाइस।